दोस्तों, रियल हीरो सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ट मूवी दोस्तों मैदान फिल्म, जो कि अजय देवगन इसका किरदार निभा रहे हैं। तो आज पूरा हिंदी में मैं आपको सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो देखिए, मैदान फिल्म की शुरुआती में 1952 के समर ओलंपिक गेम में स्टार्ट होती है। यहाँ इंडियन फुटबॉल टीम बिना सूच के मैच खेल रही थी और बहुत शेमफुली मैच को हार जाती है 10 में से। तो दोस्तों, अब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से कौन इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसी पर बहस हो रही थी। इन्हीं बोर्ड मेंबर्स में से एक शुभांकर पूरा ब्लेम रहीम फुटबॉल टीम के कोच पर डालते हैं, बाकी मेंबर्स भी इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, पर प्रेसिडेंट जनता रहीम की भी एक्सप्लेन जानना चाह रहे थे। तो रहीम ने दोस्तों इस हार के लिए 3 मेन रीजन कारण बताया। पहले, प्लेयर के सूज नहीं थे। सेकंड दोस्तों, टीम में टैलेंट की जगह नहीं दी जाती है, ओल्ड प्लेयर से खेल रहे थे। और थर्ड, यहाँ पे बताया कि डोमेस्टिक लेवल पर 70 मिनट तक मैच खेलने की हैबिट है, लेकिन यहाँ पर 90 मिनट का मैच होता है। रहीम लॉस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी है, अगर टीम बनाने को राइट उसके हाथ में रहे। बाकी मेंबर्स फुटबॉल टीम से बंगाल से बाहर के लिए प्लेयर्स नहीं लाने हैं चाहते हैं, जबकि टीम इंडिया में दरअसल स्टेट में टैलेंट है। तो अजंता रहीम की मांगे पूरी करने के लिए मेंबर से बात करते हैं। अब रहीम हैप्पी होकर अपने घर वापस जाता है। इसकी वाइफ रहीम के फुटबॉल ड्रीम को सपोर्ट करती है। रहीम का बेटा भी अपने फादर से इंप्रेस होकर के फुटबॉल खेलना चाहता था। फिर रहीम को अपने ही अकॉर्डिंग प्लेयर चूज करने का परमिशन मिल गया और रहीम ने इंडिया का टूर करके 3 ईयर्स में दोस्तों 1956 तक अपनी टीम बना ली। अब एक फंक्शन में रहीम को एक बिग स्पोर्ट जनरल से टकराव मिले। वो बंदा इतना पावरफुल था कि गवर्नमेंट को गिरा सकता था और बना भी सकता था। इसको भी फुटबॉल में बस बंगाल प्लेयर ही चाहिए थे, क्योंकि फुटबॉल वहीं से स्टार्ट हुआ और सबसे ज़्यादा वहीं खेला जाता है। तो ये राव ने इंडिया के उस शेमफुल लॉस के बारे में बताना और बोलना टीम को क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो रहीम इनको ही ओपिनियन फुटबॉल से दूर करने को बोलता है, क्योंकि राव को फुटबॉल का नॉलेज नहीं है। यह बात राव को ईगो हर्ट कर गई। रिवेज लेगा। अब 1956 में समर ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ, जिसमें टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ। इंडिया ने वो मैच जीता था, बस ऑस्ट्रेलिया री मैच चाहते थे। इनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि इंडिया टीम जीत गई है, ओनली इंडिया री मैच भी जीत गई बट फाइनल्स में हार गई। इसके लिए राव ने अगेन न्यूज में रहीम को क्रिस्टलाइज किया। अब बंगाल को फुटबॉल टीम में बनाए रखने का शुभांकर को न्यू प्रेसिडेंट बनाए फुटबॉल के फेडरेशन का और रहीम के कोच पोस्ट हटाया गया। अब 1958 में नेशनल चैंपियन के लिए मैच हुआ, जिसमें रहीम की टीम विनर है। यही नेक्स्ट ओलंपिक भी इंडिया की रिप्रेजेंट करेगा। रहीम यहाँ से अपनी ओपन टीम के लिए बेस्ट प्लेयर को अपनी टीम में एड या आज भी टीम को टैलेंट के लिए ओपन रखा। अब रहीम ने टीम इंडिया की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उनको नहीं टीम वर्क सिखाया, बल्कि अपने जो भी प्लेयर्स थे उनके पर्सनल प्रॉब्लम को भी ध्यान रखा। 1960 में समर ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ। इंडिया टीम फुटबॉल पहले से काफी प्ले कर रही थी अच्छा, इन्होंने फ्रांस जैसी स्ट्रांग टीम को जीतना मुश्किल कर दिया था, बट इंडिया इस ओलंपिक में भी हार गई। इंडिया और फ्रांस की इस मैच में एंड में पूरा स्टेडियम इंडिया के लिए चीयर कर रहा था, लेकिन फेडरेशन के बोर्ड मेंबर्स की वही मांग की कोच को बदलो या तो अपनी टीम बदलकर गोल्ड मेडल नहीं दिला पाया। आज वो जनता कुछ नहीं कर पाई और रहीम कोच को वहां से निकाल दिया गया। यह राव ने ही कराया था। रहीम को कुछ डेज बाद दोस्तों टेस्ट कराने पर पता चलता वो स्मोकिंग करता है और उन्हें कैंसर हो गया। अब यह सब छोड़कर के बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया। रहीम की वाइफ को इसके कैंसर के बारे में देखते फाइट को ड्रीम उनका जो फुटबॉल का था वो पूरा नहीं हो रहा था। उनकी राय तब रहीम की वाइफ ने उनको इंग्रोच किया और कहा कि आप फाइट करिए, वो अपने घर से कहती है कि मरने का वेट मत करिए, आप जाइए फुटबॉल के लिए। अब 1961 में रहीम अगेन कोलकाता फुटबॉल टीम का कोच बनने के लिए फेडरेशन को प्रेसिडेंट शुभांकर, वही राव का चमचा जो रहीम की बात किया करता था, रहीम एक्स प्रेसिडेंट अजंता के पास गए। रहीम ने अपने कैंसर के बारे में बताया और बोला कि बस लास्ट टाइम है, टीम को कोच करना चाहता हूँ। नेक्स्ट अजंता रहीम को फेडरेशन यहाँ पे दे देते हैं, मीटिंग में लेते हैं और सभी को दिखाते हैं कि पिछले रहीम से ना होने की वजह से हमारी जो कि फुटबॉल की टीम है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे लो हो गया है। लास्ट टाइम इनको फुटबॉल के बारे में डिस्कस किया, लॉन्ग टाइम हो चुका। अगर कोई सच में इंडियन टीम को फुटबॉल में कुछ करना चाहता है तो रहीम को वापस कुछ बनाना है। अब सभी मेंबर्स एग्री हो गए हैं, शुभांकर कुछ नहीं कर पाता। फिर रहीम ने इनको हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब 1962 में एशिया गेम्स में पार्ट लेने को बिल्कुल रेडी थे, पर अगेन राव ने अपनी चाल चल दी। इसने फाइनेंस मिनिस्टर से एक्स्ट्रा खर्च कम करने की इंडियन टीम फुटबॉल को एशिया ना ले जाने का डिसीजन दिलवाया, क्योंकि वैसे भी इंडिया आज तक नहीं जीता था और आगे भी इंडिया जीतने की उम्मीद नहीं थी। रहीम अपनी टीम को यहीं रुकने को बोल करके खुद फाइनेंस मिनिस्टर के पास बात करने गया।
उनसे एक्स्ट्रा खर्च कम करने की पॉलिटिशियन को एशिया जाने से रोकने को बोला, ना कि टीम को यहाँ पे जीत मिल सकती है, उनका ज्यादा जाना जरूरी है, ना कि पॉलिटिशियन का। रहीम को फुटबॉल टीम का एशिया गेम्स में ले जाने का परमिशन मिल गया बस 16 मेंबर्स को। रहीम ने बेस्ट प्लेयर यहाँ पे 16 चुने और उन्होंने अपने खुद को बेटों के टीम में यहाँ पे शामिल नहीं किया, क्योंकि रहीम पार्सल डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहता था। इंडिया के लिए बेस्ट प्लेयर ही चुना गया। अब एशिया गेम्स स्टार्ट हुआ पर गेम से पहले ही टीम इंडिया के गोलकीपर के पैर में चोट लग जाती है, रहीम को उसकी जगह पर दूसरे प्लेयर को भेजना पड़ता। अब इंडिया का फर्स्ट मैच साउथ कोरिया के साथ हुआ था, इस मैच में इंडिया प्लेयर्स दिखाई ही नहीं दिए, साउथ कोरिया इजीली इस मैच को जीत गई। अगर इंडिया नेक्स्ट मैच भी हारता है तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे बट फिर रहीम आए और इनको न्यू स्ट्रेटजी देकर के चला गया। फिर नेक्स्ट मैच में इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ जिसमें इंडिया टीम ने न्यू स्ट्रेटजी के साथ कमबैक किया और थाईलैंड टीम को एग्रेसिव खेली। इंडिया प्लेयर्स को चोट भी आई बट रेफरी ने एक बार भी उनको पेनल्टी नहीं दी, एक बार प्लेयर को सीरियस इंजरी भी आ गई। अब रहीम ने अपनी टीम को एग्रेसिव इसका जवाब देने को बोला, फिर यह मैच जीत लिया। मैच के बाद मीडिया ने इंडियन स्पोर्ट पर्सनल सऊदी के कुछ क्वेश्चन, जिसके रिप्लाई में सऊदी ने इंडोनेशिया के उस डिसीजन के अगेंस्ट बोल दिया जिसमें टू कंट्रीज को एशिया गेम्स में पार्ट नहीं लेने दिया। यह स्टेटमेंट इंडोनेशिया के लोगों ने सीरियसली ले, इंडिया टीम के अगेंस्ट भीड़ रोड पर आ गई। स्टेडियम में इतना गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था कि आज इंडिया का मैच जापान के अगेंस्ट है जिसको इंडिया की टीम इजीली जीत गई, अब सेमीफाइनल में आ चुकी है। अभी तक रहीम की भी कंडीशन दोस्तों यहाँ पे खराब होती जा रही थी, जब सेमीफाइनल इंडिया का बिंतम भी हरा दिया, इंडिया जैसे जैसे मैच जीत रही थी भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। आज फाइनल मैच है और भीड़ ने इंडियन टीम की बस पर अटैक कर दिया था, इंडियन को वापस भेजना चाहते थे बट फिर आर्मी ने आकर के भीड़ को कंट्रोल किया। स्टेडियम में सभी इंडियन के अगेंस्ट ही चिल्ला रहे थे कि जो अभी हमारी टीम यहाँ पे मैच जीतना चाहती थी वो हार्ड बन गया था। सिचुएशन इतनी दोस्तों यहाँ पे हार्ड हो गई थी कि आर्मी को यहाँ फिर से आना पड़ा और फाइनल मैच में साउथ कोरिया के बीच होना था, पर आज रहीम की कंडीशन इतनी नर्वस हो गई थी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अपनी टीम के बारे में वो दोस्तों कुछ भी नहीं बताया, बस वीक पड़ जाएंगे क्योंकि टीम यहाँ पे रहीम ने ही बनाई थी। अब रहीम दोस्तों अपनी इंडिया टीम को स्पीच देकर के चला जाता है और रहीम की कंडीशन भी नोटिस कर ली जाती है। अब मैच स्टार्ट होता, आज इंडिया का गोलकीपर रिकवर होने के बाद भी वापस आ गया, इसने कुछ गोल्स को सेव किए बट इसको उसी में लग जाती है चोट। अब ब्रेक टाइम रहीम ने पूरी यहाँ पे टीम को यहाँ पे नया स्ट्रेटजी समझाई, फिर सेकेंड गोलकीपर को वापस लाया, आज उसने भी अपना बेस्ट दिया। फील्ड पर टीम जीतने के स्ट्रगल पर रही थी पर बाहर रहीम अपने कैंसर से लड़ रहा था। फुटबॉल टीम दोस्तों गोल्ड जीत गई, अब रहीम का ड्रीम पूरा हो गया। एंड में बताया गया कि 9-10 महीने के बाद रहीम का मौत हो जाता है, तब से इंडिया आज तक भी फुटबॉल गोल्ड मेडल नहीं ला पाई। तो आप लोगों को अच्छी मूवी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।